तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो काफी इंतजार करने के बाद मैंने एक वायरलेस माइक ऑर्डर किया था जो कि आज आ चुका है, जिसकी अभी हम एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाले हैं। उसके बाद उसको हम चेक भी करेंगे कैसा है, क्योंकि आगे और ब्लॉग्स बनाने के लिए माइक की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं माइक कैसा है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे इससे पहले जो मैंने इसके रिव्यूज देखे यूट्यूब पे, बहुत कम रिव्यूज पड़े थे। चलिए ओके, बीच वाला खाली नहीं है क्योंकि हमने दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर वाला सेट मंगाया है। ये है रिसीवर, ये वॉल्यूम बॉक्स है, एक पोर्ट यहाँ पर है और ये ऑन की है और बाकी क्लैंप है अटैच करने के लिए। इसके अंदर हमको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, साथ ही ये टाइप सी टू सी और यह है कैमरा से माइक को अटैच करने वाली केबल, और एक 3.5 टू 3.5 यह है चार्जिंग केबल जो कि टाइप ए टू टाइप सी दो साइड है, यानी एक साथ इससे दो यूनिट हम चार्ज कर सकते हैं। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले रिसीवर को लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, इसके अंदर ऑन हो चुका है। इसको रिसीवर को पहले हम फोन से कनेक्ट कर लेना। वायर से कनेक्ट करके यहाँ रख लेते हैं। ऑन हो गया है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। एक इसमें कनेक्ट हो चुका है तो इसलिए, और हाँ आप बोल देख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाली लाइट ब्लिंक हो रही है, जैसे पता लग रहा है कि ये अब वॉइस कैच करना शुरू कर दिया है। तो मैंने ये माइक अपने कॉलर पर लगा लिया है और अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है केबल के थ्रू। तो अब आप सुन रहे हैं जो आवाज़ वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, कैसी लग रही है ये तो टेस्ट में पता लगेगा। अब हम कुछ आउटडोर शूट्स ले लेते हैं, हमें कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है। तो चलो बाहर दिखाते हैं आपको कि आउटडोर के अंदर ये माइक किस तरीके से काम करता है। तो हमने दोनों माइक लगा लिए हैं और माइक चेक कर रहे हैं, एक मैंने लगा लिया है और एक भाई के लगा दिया है। अब इसका साउंड चेक करते हैं कि आप बाहर नॉइस लेवल ये कितना कम करता है। तू भी बोल कुछ। हाँ मतलब पता लग जाएगा क्योंकि इसके अंदर आई थिंक पता है कुछ लेवल्स होते हैं, 3 लेवल तक का ये नॉइज रिडक्शन करता है। इसमें कोई चेंजेस भी करने पड़ते हैं कि वो लेवल 1, 2, 3 वाला जो होता है वो मे बी रिसीवर से होता है ना, रिसीवर या माइक से होता है। अब तू चेक कर, ये आ तो रहा है। ओके 2, 3, हाँ मैंने 3 पे कर दिया इसको, है ना। मैं इसका भी कर देता हूँ, ब्लिंक कर ली है, देखते हैं मतलब कैसी साउंड आती है। अब पहले 1 पे था ये, हमने इसको बेटर रिजल्ट के लिए 3 पर रखा है। अब देखना है कि 3 के ऊपर इसका नॉइज रिडक्शन कितना मतलब कितना काम कर रहा है। चलो यार हम शॉपिंग कर लेते हैं, आज अहोई अष्टमी का फास्ट है तो मम्मी के लिए हम फास्ट का सामान लेना है, पूजा का जो भी होता है। तो आओ शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये शॉप है हमारे यहाँ, यहाँ से शॉपिंग करने वाले भाई, देखना ज़रा यहाँ से क्या लेना है। मटकी चाहिए ना एक, तो कितने की? 40 की। तो चेक कर दो कि लीक ना हो रहा हो। अहो ये इसमें का फास्ट है जिसमें माता अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं, पूरे दिन भूखी रहती हैं और शाम को फिर पूजा करने के बाद रात को ही खाते हैं खाना इस फास्ट के अंदर, है ना। हाँ रात को फास्ट, रात को ही खाते हैं। तो एक मटकी ले रहे हैं चेक करके, ठीक है हो गई चेक अंडी। हाँ कैलेंडर दे दो एक, फोटो वगैरह जो भी है, दिया ढक्कन इस पर जो भी रखा जाएगा। तो ये शॉप है हमारे यहाँ अंकुर विहार के अंदर, यहाँ से पूजा का सामान लेके जाते हैं। तो पूजा
पूजा का सामान हमने लेके रख लिया है वहाँ पर, अब सब्जी और कुछ फल वगैरह लेके आने हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आके देखते हैं। गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे हो, अभी रोड बनने वाला, हमारा काफ़ी टाइम से बना हुआ तो नहीं था, मैं ऑलमोस्ट रहते हुए एक साल हुआ अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने भी फ्लैट लिया है, न्यूली शिफ्ट हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये रोड जल्दी बने। आज इसका इंटरव्यू लेंगे, यही है। कैसे भाई? यही बंदा है, इसे ध्यान से देख लो। इस बंदे भाई नाम क्या तुम्हारा? यूसुफ बोला। यीशु है भाई, यहीं से सब्जी लेके जाते हैं, तो इनसे ही शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या लेना है? आलू चाहिए भाई सबसे पहले तो। आलू क्या रेट चल रहे हैं? आलू भैया 50 के 2 किलो कर दे भाई, 2 किलो तो आलू कर दे, और बढ़िया बढ़िया डाल दे बिल्कुल सुंदर से। नॉइज सुन रहे हो ना पीछे? यही तो, हमें भी नहीं पता कि कैसी आवाज आ रही है, देखते हैं घर पे जाके एडिट करेगा जब ये ब्लॉग। और टमाटर? टमाटर 20 रुपए पाव है, 70 रुपए किलो। तेरी तो आधी किलो कर दियो, ठीक है आधी किलो। और गोभी है? गोभी है, फूल गोभी, फुगलो भी, डंठल है भाई बहुत सारे। ये सही है? क्या दे रहे हो, क्या हिसाब है? 20 रुपए। क्या बात कर रहे हैं बाबा, दिवाली वाली गोभी होगी ये तो नहीं पटेंगे ना। आधी किलो निकाल दे। भाई गोभी चेक कैसे करते हैं लेने से पहले, कुछ बताओगे? मुझे नहीं पता। तो फिर कैसे ले रहे? फिर मम्मी फेलेंगी घर पे। ये डंठल निकालवा देंगे हम इसके, और मतलब दाग नहीं होना चाहिए इसमें, ज्यादा है नहीं, साफ है। ओके, इसमें दाग होते हैं, खारक होती है, उसमें कीड़े होते हैं। अच्छा, देख रहे हैं कितना स्मार्ट है। शादी के बाद आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी जब भाभी बोला करेंगी शॉपिंग करके आओ जाके। हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ क्या मजे ले रहा है ब्लॉग तेरा, मेरा मेरा भी चैनल है वैसे, उसके लिए भी मंगाया हमने ये, तो उसमें भी करेंगे हम रिव्यूज मूवी के। नहीं जहाँ तक है मेरे चैनल के लिए भी ये माइक्स यूज होने वाले हैं, तो देख लेना आज शाम तक या रात तक डाल देंगे हम दृश्यम 2 का रिएक्शन वीडियो, क्योंकि आई थिंक ट्रेलर उसका आ गया है आज, देखते हैं कैसी रहने वाली है। बस और हरी मिर्च धनिया डालो भाई। मतलब कितने की हो गई भाई सब्जी? 185 रुपए की भाई, इतनी महंगी सब्जी, क्या ही तने में तो पनीर भी खा लोगे तुम। चलो थैंक यू भाई, यीशु भाई मिलते हैं फिर। बढ़िया निकलेंगे भाई से ले लें, से नहीं निकले तो फिर वापस। चक्रकंदी कैसी थी? सिंगाड़े भाई को बहुत समझ है सारी शॉपिंग करने की, सब्जियां उब्जियां हैं भाई। आपने कहाँ से सीखा? कहीं से तो सीखा होगा यार, मम्मी के साथ जा जाके। अच्छा, और नवीन से? नवीन से मेरा दोस्त है, वो पहले उसके सफल की डेरी थी। अच्छा, आवाज सफल डेरी है तो वो सफल तो हो गया होगा फिर। हाँ सफल तो हो गया। तो यहाँ ये DLF अंकुर विहार के अंदर हमारी मार्केट है, जहाँ पर सभी फल यहाँ मिलते हैं और सब्जियाँ यहाँ पर, ज़्यादातर सब यहीं पे शॉपिंग करते हैं। तो हमारा सारा सामान हो गया, ले लो। तो हमारी शॉपिंग पूरी हो गई, हमने पूजा का सामान ले लिया, सब्जी ले ली, फल भी ले लिए, अब हम सामान लेके सारा घर पे चलते हैं, और उसके बाद पूजा होगी इवनिंग तक। अभी क्या टाइम हो गया? 2:30 तो बजी गए ना, 4-5 बजे तक मम्मी पूजा करेंगी, पूजा में बैठेंगे, फिर आपको पूजा भी दिखाते हैं पूजा कैसे करते हैं। सामान लेकर आ गए वापस, चलते हैं घर पे, पूजा की तैयारी करते हैं। तू ही बता दे। तो बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे अपना पुराना वाला घर हमेशा याद आता है, उस्मानपुर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ तो इतनी ग्रीनरी थी कि हद से ज़्यादा। मनोकामनाएं तय।
चोरी करना। बोलो स्याहू माता की जय। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहाँ पर हम एंड करते हैं। खाना लग चुका है तो खाना खा लेते हैं, मम्मी पास खोल लेंगे अपना। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के अंदर जल्दी ही। अगर आपने मेरा व्लॉग पहली बार देखा तो प्लीज आके इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोबारा महेश्वर दास ब्लॉग्स के अंदर। स्टे ट्यून एंड बाय बाय।